किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी अगर बनाना चाहते हो तो भाई उसे स्कैन करना पड़ता है। वैसे तो आजकल मोबाइल में स्कैनर आए हैं लेकिन वो इतना प्रॉपर स्कैन नहीं करता है, जो कि हमारा डेस्कटॉप का फ्लैट बेड स्कैनर होता है वो प्रॉपर स्कैन करता है। तो ये स्कैनर अगर आपने खरीद लिया या फिर खरीदना चाहते हो तो उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, स्कैनर के जरिए प्रॉपरली स्कैन कैसे करते डॉक्यूमेंट को, ये अगर आपको जानकारी नहीं है, डिटेल में जानना चाहते हो तो ये पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का ये पार्ट 4। ये गलती से एक उंगली उठ गई थी, पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, तो पार्ट 4 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। जानना चाहते हैं स्कैनर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सीधी बात नो बकवास, मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। ये कैनन का है मल्टीफंक्शनल डिवाइस, इसमें स्कैनिंग होता है, प्रिंट आउट होता है, ये मल्टीफंक्शनल है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है, कलर प्रिंट होता है। ये एक मेरे पास और प्रिंटर है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली इसमें स्कैनर का फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्कैनर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट बेड स्कैनर है। अब इसमें मुझे कोई सर्टिफिकेट वगैरह स्कैन करना है तो ये सर्टिफिकेट है, या कोई भी आपको स्कैन करना है तो ये फ्लैट बेड है, कोई नोट्स वगैरह भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे मैं रखूंगा, ये प्रॉपरली ऐसा रख देना है। ओके, ज्यादातर इसमें A4 साइज का स्कैन होता है, A4 लीटर साइज स्कैन होते हैं, तो मैंने इसमें रख दिया। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद करना क्या है, मुझे इसके कनेक्शन लगाने हैं, और जो कि प्रिंटर को जैसे कनेक्शन लगाए थे हमने वैसे ही लगाने हैं, जैसे मैंने HP के लगाए थे। तो वैसे यहाँ पे एक पिन लग रही है, USB लगेगी और एक पावर पिन लगेगी, जो कि यहाँ पे पावर लगाया गया। तो ये दो पिन मैंने लगा दिए, जैसे हमने HP के प्रिंटर में लगाए थे, दो ही पिन यहाँ पे भी लगेगी कैनन के प्रिंटर में। और ये जो कैनन का वर्जन है E410 है सीरीज, और जिस डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं मल्टीफंक्शनल, लेकिन जरूरी है तो ही खरीद दीजिए, नहीं तो एक्स्ट्रा अलग सा स्कैनर भी आपको मिलता है HP का, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी मेरे ऑफिस में मैं यूज करता हूँ अलग सा स्कैनर। फिलहाल वो अभी यहाँ पे नहीं है मेरे पास इस ऑफिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड फोल्डर में इसका डाउनलोड ड्राइवर करके रखा है ऑलरेडी, और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, इसे रन करूंगा। ये ड्राइवर जरूरी है, अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल करते, ये देखिए स्टार्ट सेटअप बटन पे आपको क्लिक करना है। ये ड्राइवर इंस्टॉल करते ही ये आप स्कैन कर पाओगे, मैं आपको स्कैन करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली ये स्कैन कैसे होगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही मैं चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने मिलेंगे विद ISO सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज आपको घर बैठे बैठे वहाँ पे सीखने मिलने वाले, बहुत ही कम फीस में सर्टिफिकेट के साथ, आपका टाइम भी बचेगा, आप रिपीटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अब भी चेकआउट कीजिए, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहते कि घर बैठे बैठे कुछ चीज़ें सीखे, स्मार्ट बने, एक्सपर्ट बने, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, एग्जिट बटन पे क्लिक करो, इंस्टॉलेशन हो गया है। तो अब मुझे स्कैन करना है, जो मैंने सर्टिफिकेट रखा है या जो भी चीज़ रखी है स्कैनर के ऊपर, वो मुझे स्कैन करनी है। तो मैं यहाँ पे स्कैन बटन लिखूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई जी स्कैन यूटिलिटी आ जाती है। आई जी स्कैन यूटिलिटी यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कैनन E410 सीरीज दिखाई दे रहा है, आपका जो कैनन स्कैनर सिलेक्टेड है वो दिख रहा है। आपको फोटो स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, आपको क्या करना है, मुझे ये डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है या फोटो में कन्वर्ट करना है, आपके ऊपर है। फिलहाल मैं इसे डॉक्यूमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। स्कैनर इज वार्मिंग अप, डू नॉट ओपन डॉक्यूमेंट कवर, मतलब आपने जो स्कैनर का कवर रखा है ऊपर, वो ओपन नहीं करना है। यहाँ पे स्कैन ऊपर देखिए प्रोसेस भी हो रहा है, यहाँ पे स्कैन अंदर हो रहा है। अगर आप स्कैनर के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखेंगे तो उसकी जो मोटर है वो घूम रही है, और आवाज भी आता है, देखिए आवाज भी आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टू कंटिन्यू स्कैनिंग, अगर और भी स्कैन करें तो आप स्कैन कर सकते हैं, वहाँ पे जो स्कैन आपने रखा है वो हटा दो, दूसरा रखो, दूसरा मतलब सर्टिफिकेट, दूसरा कुछ रखो, और स्कैन बटन पे क्लिक करो। नहीं करना है अभी और कुछ स्कैन तो एग्जिट कीजिए, आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए एक इमेज PDF फॉर्मेट में आ चुका है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, और ये स्कैन हो चुका है, मैंने उल्टा रखा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट एज इट इज स्कैन हो चुका है, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहूंगा ये स्कैनर के ऊपर। देखिए सेम मेरा ISO सर्टिफाइड, हमारी जो कंपनी ISO सर्टिफाइड है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये पूरा का पूरा स्कैन हो चुका है, और स्कैन कैसे करना है मैंने बेसिकली आपको बताया, अभी स्कैन कोई भी कर सकता है। तो इस पार्ट में हमने जानकारी ली किस तरह से हम स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर को, किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है, प्रैक्टिकली समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट मंडे 5 PM, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट आपने किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो, अपना ख्याल रखो, साथ में बाय बाय।